सो आज हम आए हैं सालो और यहाँ पर एक हेलोवीन पम्पकिन पार्क है उसके लिए। और हमें एक दो साल से मैंने इसका फ़ोटोज़ देखा था, लेकिन मैंने देखा नहीं था कहाँ पर है। लेकिन इस बार शायद बहुत भीड़ है, हम वीकडेज में आए हैं क्योंकि सैटरडे इसका लास्ट है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और हमें पार्किंग भी कहीं नहीं मिल रही थी, हमने बहुत दूर में पार्क किया है। अब हम यहाँ से वॉक कर रहे हैं, देखते हैं चलते हैं वहाँ पर। सो इतना हमें पूरा वॉक करना है ये नीचे से। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये देखिए डेकोरेशंस। जगह से हम जा रहे हैं, शायद अगर हमें गाड़ी पार्क करने की जगह सामने मिल जाती तो हम यहाँ आते भी नहीं। ये जो पूरा एकदम पम्पकिन से अंदर लाइट्स भी जल रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी नज़र आ रहा है। और सामने आपको भीड़ दिखा रही है, ब्लूम हावे सी। कॉन्सर्ट भी हो रहा था छोटा सा और यहाँ से स्टार्ट होता है पार्क। हेलोवीन में इतने लोगों की भीड़ होती है, हमें तो फिनलैंड में पता ही नहीं था। फिनलैंड में लोग यूजुअली इसको उतना नहीं मानते, एज अ फैंसी ड्रेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेला देख के तो मैं चौंक गई कि अच्छा ऐसे भी होता है। ये वाला एरिया ना, मतलब ये जो आप देख रहे हो इससे पूरा ढका हुआ था, आप बाहर से नहीं देख पाओगे। और इसके लिए हम मतलब जब अंदर आए थे और बारिश भी दो दिन पहले इतनी हो रही थी, तो एक थोड़ा स्मेली था वो जो ये भीगने के बाद होता है। गूगल में मैंने इस पेड़ को इतने अच्छे पिक्चर्स देखे थे, लेकिन ये यहाँ पर इतने झाड़ में ना मेरी पिक्चर्स कोई अच्छी आ रही थी ना इसकी, इस पेड़ की। बट गूगल में ये वाला जब था मैंने, अरे वाह कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने से उतना नहीं लगा मुझे। यहाँ जितनी लाइट आपको दिख रही है कैमरा पे, लेकिन उतनी लाइट है नहीं, यहाँ पर डार्क हो चुका है। तो ये लाइट्स में व्यू अच्छा खासा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल में मुझे लग रहा है कि ये लाइट्स कुछ ज़्यादा ही है।
आपने ये फर्स्ट में जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ये एरिया आपने देखा था, लेकिन तभी लाइट थी और अभी अंधेरा हो गया है बोल के, और सुंदर लग रहा है बहुत। यहाँ पर ये लोग सारे सेल कर रहे थे ये पम्पकिंस, तो आप यहाँ से चाहो तो परचेज कर सकते हो, आप अपने घर के बाहर या बैकयार्ड में भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर जो स्टॉल्स और कैफ़े था वो चेक कर रहे थे कहाँ पर क्या मिल रहा है, तो कॉफ़ी ऑप्शन भी हमें कम ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर सारे पम्पकिंस वाले ऑप्शन थे, पम्पकिन वाले आइसक्रीम, पम्पकिन वाले केक, पम्पकिन वाले मफिन, फिर पम्पकिन वाले कुकीज़, हर चीज़ यही था। तो आप ये मेन्यू देखोगे ना आपको पता चलेगा ये कुरपिक्सा जो लिखा हुआ है इसका मतलब है पम्पकिन। ये वाला प्लेस जहाँ हम आए हैं ये सालो है, हेलसिंकी या एस्पो से 1 आवर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप चाहो तो अनटिल संडे ये पार्क खुली हुई है 10 to 10, तो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब।